सब्सक्राइब कीजिए हमारे और आपके चैनल को इस सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके और साथ में ही बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं सैमसंग के एक नए ए सीरीज के स्मार्टफोन के बारे में। तो सैमसंग की तरफ से बहुत बड़ी यहाँ पर न्यूज़ निकल के सामने आ रही है और सैमसंग टोटल अपने ए सीरीज में 9 स्मार्टफोन को यहाँ पर लॉन्च करने वाला है और इन सभी का जो नाम है इसे सैमसंग ने फाइल्ड कर दिया है और आपको ये सारे स्मार्टफोन देखने को मिलेगा 2020 में। जी हाँ, अभी तक तो लग रहा है कि आपको ये सारे स्मार्टफोन 2020 में देखने को मिलेगा। तो जो सबसे पहला स्मार्टफोन होगा वो होगा सैमसंग गैलेक्सी A11 और जो सबसे आखिरी स्मार्टफोन होगा वो होगा सैमसंग गैलेक्सी A90। यानी कि 2019 में सैमसंग ने जितने भी स्मार्टफोन लॉन्च किए हैं सैमसंग गैलेक्सी A10 से लेकर सैमसंग गैलेक्सी A80 तक, बस उसके नाम है सैमसंग गैलेक्सी जो A10 था। अब 2020 में आपको मिलेगा सैमसंग गैलेक्सी A11, जो अभी इंडिया में आपको सैमसंग गैलेक्सी A50 मिलता है, तो 2020 में आपको मिलेगा सैमसंग गैलेक्सी A51। तो यहाँ पर सैमसंग 9 जो नाम है 9 नाम्स को यहाँ पर ट्रेडमार्क में फाइल्ड किया है और ये सारे स्मार्टफोन आपको 2020 में देखने को मिलेगा और इसमें से सैमसंग गैलेक्सी A51 और सैमसंग गैलेक्सी A71 का भी नाम यहाँ पर सैमसंग ने फाइल्ड किया है। तो क्या 2019 में और कोई हमें सैमसंग के स्मार्टफोन देखने को नहीं मिलेगा? तो जी नहीं, ऐसा नहीं होने वाला है। सैमसंग गैलेक्सी A50, A70, A30 इन सभी का सक्सेसर यहाँ पर आने वाला है और आपको ये सारे स्मार्टफोन अगस्त के मंथ में देखने को मिल जाएगा। तो आप लोग क्या 2020 तो अभी बहुत टाइम है, उसके बाद हम लोग क्या बात करें, अभी तक तो बहुत ज़्यादा लीक्स भी आना बाकी है कि कौन सा स्मार्टफोन कैसा होगा। तो आज के टाइम के हिसाब से आप लोग कौन से सैमसंग के स्मार्टफोन के लिए वेट कीजिएगा? मैं 2020 के स्मार्टफोन के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ सैमसंग गैलेक्सी A50s, A70s और जो बाकी स्मार्टफोन अभी इंडिया में अवेलेबल है उसी का सक्सेसर का। जहाँ तक मेरा मानना है, अभी तो आप लोग कुछ दिन पहले देखे होंगे सैमसंग ने बताया कि वो 3 स्मार्टफोन के ऊपर काम कर रहा है, एक है सैमसंग गैलेक्सी A30s, A50s और A70s। लेकिन आज के हिसाब से सैमसंग 2020 के भी यहाँ पर तैयारी कर रहा है और अगर आप 2019 में अच्छा सा कोई सैमसंग का स्मार्टफोन लेने का सोच रहे थे तो आपके लिए काफ़ी अच्छा स्मार्टफोन आने वाला है सैमसंग गैलेक्सी A50s और A70s। लेकिन यहाँ पर सैमसंग फ्यूचर की तरफ कदम रखा है और मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छी बात है कि सैमसंग अपने फ्यूचर की तरफ सोच रहा है। कोई भी अपडेट आता है इन सारे फ़ोन के रिगार्डिंग, सबसे पहले आपको हमारे चैनल में अपडेट मिल जाएगा। कोई भी फ़ोन आता है, कैसा भी फ़ोन आता है, कोई भी एस्पेस रहता है, सबसे पहले मैं ही आप लोगों को बताऊंगा। तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर लीजिए। आपके जो भी सवाल है आप मुझसे वहाँ भी पूछिएगा, मैं डेफिनेटली आप लोगों को रिप्लाई करूँगा और आपके जो भी सवाल है आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो 2020 में सैमसंग की तरफ से भी काफ़ी अच्छे स्मार्टफोन आएंगे, देखते हैं क्या वो बाकी स्मार्टफोन को टक्कर दे पाएगा, क्या वो रेडमी K20 जैसा स्मार्टफोन उतने ही प्राइस पॉइंट में लॉन्च करेगा। क्या लगता है आप लोगों को, सैमसंग करेगा 22-20 हज़ार में स्नैपड्रैगन का 730 का चिपसेट सैमसंग देगा? देखते हैं भाई 2020 में क्या होता है, लेकिन देखते हैं 2019 में सैमसंग और कौन कौन से स्मार्टफोन लॉन्च करता है। कोई भी स्मार्टफोन आता है सबसे पहले आपको अपडेट मिल जाएगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।